सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुबना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ कोरमा पुलाव बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और आसान रेसिपी है, ज़रूर से इसको ट्राई करिएगा। ये जो हम नॉर्मल मटन का पुलाव बनाते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है और बहुत टेस्टी है। तो आइए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। कोरमा पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 kg मटन लिया हुआ है और इसको मैंने फ़ैट के साथ लिया हुआ है। फ़ैट के साथ लेने से जो पुलाव का टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी के साथ मैंने ये 2 कप बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस लिए हुए हैं, इनको मैंने आधे घंटे पहले भिगो कर रख लिया था। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 3/4 कप यानी कि 150 ग्राम दही लिया हुआ है, जिसको कि मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। फ्रेश दही लीजिएगा। 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। 2 टीस्पून धनिया का पाउडर लिया है। 3 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने गोल्डन फ्राई किया और दरदरा सा पीस लिया। आप चाहें तो इसको हाथों से क्रश करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के मैंने नमक लिया है और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। 1/3 टीस्पून जावित्री का पाउडर और 1/3 टीस्पून जायफल का पाउडर लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप साबुत जायफल जावित्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम गरम मसाले इसमें ऐड करेंगे तो आप वहीं पर इसको ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है, 4 से 5 हरी मिर्च और 1 नींबू का रस इस्तेमाल करेंगे। 1/2 कप तेल लेंगे। गरम मसालों में 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लेंगे और 1 टीस्पून शाह ज़ीरा लेंगे। 4 से 5 लौंग लेंगे। 2 से 3 इंच के दालचीनी के टुकड़े लेंगे। 1 बड़ी इलायची, 4-5 छोटी इलायची और 1/2 टीस्पून काली मिर्च लेंगे। हमें मटन को मैरिनेट कर लेना है, इसमें हम दही डालेंगे। दही को अच्छे से बीट करके डालिएगा और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। नमक डालेंगे, नमक हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं अगर कम पड़ेगा। धनिया का पाउडर डालेंगे और गरम मसाला पाउडर डालेंगे, जावित्री और जायफल का पाउडर डालेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और जो हमने प्याज दरदरी पीसी थी वो भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से इन सभी को मिला देंगे। तो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने मटन में अच्छे से मिला दिए। अब हमें इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के रखना है। टाइम की शॉर्टेज है तो आधे घंटे भी रखा जा सकता है। अब हम इसको पकाना शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पर वही तेल लिया जिसमें मैंने प्याज को गोल्डन फ्राई किया था। आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि पुलाव में घी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। मैं यहाँ पर तेल ही इस्तेमाल कर रही हूँ और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें साबुत गर्म मसाले डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1/2 कप तेल का इस्तेमाल करा है और जब हमारे ये साबुत गर्म मसाले कुछ सेकेंड्स के लिए सॉटे हो जाएंगे, इनका फ्लेवर तेल में रिलीज हो जाएगा, तब हम इसमें डाल देंगे अपना मैरिनेटेड मटन और इसको हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब तक कि इसमें जो मसाले हैं और जो मटन है उसकी स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए खूब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए 10 से 12 मिनट मैंने इसको खूब अच्छे से फ्राई करा है मीडियम हीट पर और हमारा मटन खूब अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हमें इसको गला लेना है तो मैं इसमें 1 कप यानी कि 250 ml पानी ऐड करूँगी। इसको मिला देंगे और अब हम इसमें प्रेशर लगा देंगे और हाई फ्लेम पर। 1 प्रेशर आने के बाद गैस की फ्लेम को लो करके 10 से 12 मिनट इसको लो फ्लेम पर कुक करेंगे। इसके प्रेशर को हमें नेचुरली रिलीज़ करना है और यहाँ पर हमारा मटन अच्छे से गल चुका है। अब हमें इसमें चावल शामिल करने हैं और इसको मिला देंगे। यहाँ पर मैं पहले से इसमें 1 कप पानी शामिल कर चुकी हूँ और यहाँ पर अब बहुत कम पानी मुझे चाहिए तो मैं 1/2 कप पानी और ऐड करूँगी। कुल मिलाकर इसको पकाने मैंने 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करा है और इसी के साथ हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, आप पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं और हरी मिर्चें डाल देंगे और फिर से हम इसमें प्रेशर लगा देंगे। तो अब हम इसकी लेड लगा देते हैं और जब इसमें हाई फ्लेम पर प्रेशर आ जाएगा तो गैस की फ्लेम को लो करके बस 1 से 1.5 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे और इसको इसके प्रेशर में रहने देंगे। तो इसके प्रेशर को मैंने इसी में रहने दिया था, ख़ुद से जब इसका प्रेशर रिलीज़ हो गया तब हम इसको चेक कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा कोरमा पुलाव बनकर तैयार है। इसको हम हल्के हल्के हाथों से इस तरह से कर देंगे चावलों को ऊपर नीचे, इससे चावल खुल जाएंगे और आपस में चिपकेंगे नहीं। तो जब भी आप चावल या पुलाव वगैरह बनाएं तो ये स्टेप ज़रूर से कर लें, इससे चावल खिले खिले रहते हैं। और यहाँ पर हमारा डिलीशियस कोरमा पुलाव बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। तो बस अब हमें इसको सर्व कर लेना है
आपने देखा कितना आसान था इसको बनाना, तो ज़रूर से आप इस डिलीशियस, इजी और टेस्टी रेसिपी को ट्राई करिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू।